صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد और पूछेगा मुझसे जब खुदा काम किया है नेक क्या साफ कहूँगा बरमला सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों तो मेरे इस्लामी भैन भ्राओ जेड़े तुसी कहंदे हो ना बाबा जी सानू ऐसा अमल दसो ऐसा पावरफुल अमल दसो जिहदे नाल कशफ साढ़े ते वारद हो जाए खुल जाए साढ़े ते कशफ। तो दोस्तों इहनू तुसी पढ़ोगे तुहानू कशफ ही तुहानू पता लग जाएगा रूहानी मखलूक का भी पता लगेगा दुनिया की ढाडी मुश्किल भी दूर होए करेगी। लेकिन इन पुत्र तुम छड़ना नहीं जो बच्चे जो शुरू कर लो छोगे तो फिर काम खराब होना है। लेकिन जिन्ना चेर पढ़ोगे तुहानू इहदा फायदा दीन का ही फायदा आखर का ही फायदा और कशफ मखलूकात गैबी मखलूक तुहानू नज़र आनी शुरू हो जाती है ढाडा मुलाकात शुरू हो जाती है रात को तुहानू ऐसी ऐसी जगह पर सैलां कराई जाएंगी ऐसे ऐसे तुहानू खाने खवाए जाते रात को बंदे ख्वाब के है नहीं जो ख्वाब के दिखाया जाता जो बंदे पता ना दुनिया देखे ना उन्होंने ऐसे ऐसे फल तुम दिखाए जाएंगे ऐसे ऐसे तुम सवारी तुम चीज़ से सवारी कराई जाएगी तुझे हैरान तो तुम परेशानी वाकई होगी वाकई कश्यप कहते कि तुम दस दोस्तों जिस तरह तुम तरीका दसना यह तुम पढ़ लो तो उस तो बाद इंशाल्लाह ताड़े तो कश्यप खुल जाएगा तुम दस दूँ। और कोई पहले नंबर तुम दस कोई दुनिया की मुश्किल ताड़े तो पई हो किसी किस्म की मुश्किल ना जाती हो दुनिया की मुश्किल ला लो पार जी मुश्किल हो गए मेरे दोस्तों फजर की नमाज पढ़ के या तहज्जुद की नमाज पढ़ के इनू अगे पिछे दुरूस रख के इनू 12,000 दफ़ा इनू 10 दिन तक पढ़ो इंशाल्लाह ताला चाहे तो तुहाडा देखो मुश्किल भी दूर होएगी तुहाडे ऐसे ऐसे असरार खुल जाएंगे तो सानू खुद आ खुद तुसी कहोगे कि असी काम दे अगे भी पढ़ने दा लेकिन हुण इह काम किस नाल शुरू हो गया ऐसा प्यारा अमल हैगा जे तो अमल हैगा सिर्फ तुहानूं दस दा कलमा शरीफ का जो कोई फस जाए किसी मुश्किल में मुश्किल ना हल होती कोई साथ ना देता हो फिर मेरे दोस्तों सुबह की नमाज पढ़ो तहज्जुद की दो नफल नमाज पढ़ के 1:45 उठो नमाज पढ़ के इनू 12,000 दफ़ा पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु जो ताड़ा साह खत्म हो कहना मुहम्मद रसूलुल्लाह दोस्तों पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताड़ा साह बंद होवे साह खत्म हो लगो तो इन्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना कलमा पूरा पढ़ना तुझे ठीक है इन्हू 12,000 दफ़ा हर रोज पढ़ना जे जिन्हें कशफ हासिल करना चाहता है गैबी मखलूक देखना चाहता है मखलूक ना गल्लां बातां करना चाहता रात नूं प्रवास करना चाहता है मज़ारां ते फिरना चाहता है रूह ओहदी निकल जाए तो फिर असमाना दी सैर करना चाहते तो फिर तुहानूं इस तरह करना पेगा अमल उठा तुहानूं उस बाद हज़े टाइम पेगा फिर हैगा जी क्योंकि उस टाइम अल्लाह ताला दी हर मखलूक जिहड़ी हुंदी है गैबी मखलूक सब जागरी होती है ठीक है तो इसलिए मेरे सोने हो मेरे प्यारे बच्चों इनू तहज्जुद टाइम पढ़ना तुसी और दुरूद शरीफ अगे पिछे लाजमी रखना जी जिहड़ा बंदा आम हैगा ऐ कशफ वाले आसे हैगे मुश्किल दूर कर एक आम रूटीन दे विच इनू तुसी हर नमाज नाल 100 दफा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज ना पढ़ोगे तुहाडी दीन दुनिया च भी तरक्की तुहानू गैबी अल्लाह ताला ताकत भी ता करेगा और दुनिया की मुश्किलों भी दूर करेगा।
और दोस्तों यह तुम्हें दसता वजीफा इस चीज़ वास्ते मुश्किल दूर करने वास्ते कशफ वास्ते हर रोज़ एक टाइम रखना जी। कोशिश करनी तुम्हें पढ़ना है, चाहे तुम चुप आराम ना पढ़ो चाहे तेज़ पढ़ो, आवाज़ इन्नी पढ़ो ताड़े अपने कन्ना जिक्र आवाज़ आनी चाहिए, बस इन्ना के जिक्र की आवाज़ होनी चाहिए ताड़े अपने कन्ना जिक्र आवाज़ आवे, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल ऐसा आपने, ठीक है। तो जेडे कशफ हासिल करना चाहते वो अपने होंठ बंद कर अखा बंद करके तो फिर पढ़न ऐसा, जिस तरह मैं तुम पढ़ के दस रहा इस तरह पढ़ना जी, इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह होंठ बंद होने चाहिए ने, इस तरह पढ़ना है। जो इस तरह पढ़ेगा एक हज़ार दफा घट तो घट इस तरह होंठ बंद करके इस तरह इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह एक हज़ार दफ़ा इस तरह पढ़ो, बारह हज़ार दफ़ा पढ़ना जिन्हें मुश्किल दूर करनी है, कशफ देखना है, कशफ की गैबी मखलूक देखनी है, वो इन बारह हज़ार दफ़ा सुबह की नमाज तहज्जुद मैं कहना तहज्जुद पढ़ के तुम पौने दो उठ के उ पढ़ के तो आराम, अच्छा सर्दियाँ दिन रात बड़ी लंबी रात ने, ठीक है। तुम यह पढ़ो फिर इंशाल्लाह तुम बाबे अपन दुआ दोगे, इंशाल्लाह फिर तुम कशफ ही देखोगे। और दोस्तों तुम दसिया है जो तुम यह करोगे कलमा शरीफ पढ़ोगे फिर तुम अपनी ताकत अजमा देखना, सिर्फ तीन चाली दिन तुम लगातार कर लो, उस बाद तुम कोई तस्वीर लवो लैके साढ़े जिन्ना नूर पैदा चाली दिन लाजम होएगा, बारह हज़ार तादाद रखोगे इस तरह तस्वीर रख के इन इशारा करना, इस तरह करके ऐसा आपने देखो इशारा किया इशारा ताे तस्वीर चलनी शुरू हो जाएगी, जिस तरह कलब जारी चलता ना इस तरह तस्वीर चलती है। देखो ये सिर्फ जिक्र करने की वजह तो हथा पर नूर पैदा हो जाएगा, देखो इस तरह तुम इशारा करोगे तो रुक जाएगी। अगर तुम इशारा इस तरह करते हो देखो इस हिसाब से इशारा करते हो, जिस तरह इशारा करोगे उस तरह हिलेगी तस्वीर, उस तरह चलेगी। अब यार देखो दोस्तों यह है जो तुम जिक्र फिक्र करोगे तो तुम इस तरह ताकत ताड़े अंदर आ जाएगी, इस तरह रोकोगे रुक जाएगी तस्वीर। यह तुम मैं कलमे शरीफ से दस रहा तो लोग दोस्तों यह कलमा शरीफ पढ़ो, तो जिस दोस्त ने भी इस्तगारा कराना हो अपना नाँ अपनी वालदा का नाँ रोज़ मैसेज कर दिया करो, बस लो फिर इस वीडियो सब्सक्राइब भी करो लाइक करो और शेयर भी करो। तो फिर अस्सलामुअलैकुम।